वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त हो। ये एक ट्रांसफार्मर है जो कि कंप्लीट हेल्दी ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर की जो आउटर शेप है, उस आउटर शेप में इसका मेन टैंक है। ये देखेंगे, ये पूरा मेन टैंक है। ये जो बॉडी है वो इसका मेन टैंक है, और मेन टैंक में ट्रांसफार्मर ऑयल भरा रहता है। और यहाँ से देखेंगे, ये मेन टैंक के अंदर कोर होती है, क्वाइल्स होती हैं, उन क्वाइल बाइंडिंग के थ्रू तैयार की जाती हैं। यहाँ से देखेंगे ये एलटी साइड निकली हुई है, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर 11/0.4 का है। तो यहाँ जो ये 0.4 वाली जो बुशिंग्स हैं वो हैं, ये इसका न्यूट्रल है, न्यूट्रल के बाद ये फेज है तीनों। इसके अलावा देखेंगे, इसके आउटर में हम देखेंगे ट्रांसफार्मर का ये रेडिएटर है, ये रेडिएटर कहलाता है। ये रेडिएटर कैसे काम करता है, ट्रांसफार्मर ऑयल जो इसमें होता है, ये कंजर्वेटर टैंक है। कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक में ट्रांसफार्मर ऑयल भरा रहता है, और इन दोनों का कनेक्शन इस पाइप के थ्रू रहता है। जब ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो मेन टैंक से ट्रांसफार्मर ऑयल जो है इस पाइप के थ्रू कंजर्वेटर टैंक में आ जाता है, और कंजर्वेटर टैंक से जब कूल होता है तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, जिसके कारण फिर वापसी दोबारा फिर इस टैंक में आ जाता है। तो ये क्रम लगातार जारी रहता है ठंडे और गर्म होने पर। उसके साथ ही जब ट्रांसफार्मर ऑयल हीट हो जाता है, हीट होने की कंडीशन में यहाँ से जो कंजर्वेटर टैंक है उसके द्वारा कूल होता है। वो कूल कैसे होता है कि ट्रांसफार्मर ऑयल जो है इसमें जो भरा हुआ है, इसकी जो बॉडी है उसमें ट्रांसफार्मर ऑयल है, इसी में कोर है, उसमें जब करंट फ्लो होता है तो वो ट्रांसफार्मर की जो कोर है वो हीट होती है, और हीट होने की वजह से ट्रांसफार्मर ऑयल हीट होता है। ट्रांसफार्मर ऑयल जो हीट होता है, क्योंकि जो गर्म जो ऑयल होता है वो ऊपर को चलता है और ठंडा नीचे को जाता है। ट्रांसफार्मर ऑयल यहाँ से गर्म होता है, गर्म होकर के ऊपर आता है, और ऊपर आकर के फिर इस ये जो पाइप है वो कनेक्टेड है, रेडिएटर के जो पाइप है वो कनेक्टेड है यहाँ से मेन टैंक से। जब ट्रांसफार्मर ऑयल गर्म हो जाता है तो वो रेडिएटर में यूं करके आता है, फिर नीचे की तरफ जाता है, और ये जो रेडिएटर है वो देखेंगे एक पतले पतले पाइप जैसे बने हैं, इनमें पाइप जैसे लगे हुए हैं जिनमें एयर पास होती रहती है। तो जो गर्म जो ट्रांसफार्मर ऑयल है वो इसमें रेडिएटर में आता है, और रेडिएटर जो हवा के संपर्क में आने की वजह से वो कूल हो जाता है और नीचे चला जाता है, फिर वापसी टैंक में चला जाता है। ये क्रम लगातार ट्रांसफार्मर चलता रहता है और ट्रांसफार्मर ऑयल जो है कूल होता रहता है। इसके इधर देखेंगे, इस साइड में, इधर साइड से जरा दिखाइए, एक ये पार्ट होता है, इसको बेंट पाइप कहते हैं। ये जब ट्रांसफार्मर में कोई दिक्कत होती है, कोई ऐसा फॉल्ट आता है जिसमें ट्रांसफार्मर ऑयल में बहुत ज्यादा गैस जनरेट हो जाती है, तब इस पाइप के थ्रू जो है गैस इससे बाहर निकलती है, इसमें एक पतला सा एक बंद कर दिया जाता है जिससे वो बस्ट हो जाता है, ये फट जाता है, और जो एयर है वो इसके थ्रू बाहर निकल जाती है। इसके अलावा ट्रांसफार्मर का जो मेन टैंक है, इसी में देखेंगे टेप चेंजर लगा रहता है। ये टेप चेंजिंग क्या काम करता है कि जब हमारा वोल्टेज कम या ज्यादा मिल रहा होता है तब हम स्टेप चेंजर के थ्रू वोल्टेज को कम या ज्यादा हम कर सकते हैं इसे बदल करके। लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि वो ट्रांसफार्मर ऑन लोड है या ऑफ लोड है। तो ये जो हमें, मुझे लगता है ये जो टेप चेंजर है वो ऑफ लोड है, हमें ट्रांसफार्मर बंद करके तभी हम टेप चेंजिंग कर सकते हैं, अन्यथा किसी में ट्रांसफार्मर खराब हो सकता है। तो हमें जो टेप चेंजिंग करनी है तो वो बंद पर ही करनी है, यानी ऑफ लोड टेप चेंजर है। इसके अलावा हम देखेंगे इसमें बहुत अलग चीजें लगी हुई हैं। ये इसकी नंबर प्लेट है, इस नंबर प्लेट पर ट्रांसफार्मर के बारे में लिखा रहता है। यहाँ से देखेंगे पूरा ट्रांसफार्मर का डिटेल लिखा रहता है, ट्रांसफार्मर कब बना है और किस ऑर्डर के थ्रू बना है, क्या उसके कनेक्शन है, ये सारी चीजें इस डिटेल